हाय एवरीवन, ओम साई सिटी पॉइंट में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, बाकी के जो मैंने रीजनिंग और मैथ के जो अपलोड कर दिए थे वीडियो, उसमें आंसर की थी आरएएस की, बाकी जो बचे हुए जीएस के उसको मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। उसमें आप लोग देख लीजिए आपके लिए कौन कौन से सही है, ओके। क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी निकालने में, लेकिन फिर भी निकल गया, ओके। बाकी 10 क्वेश्चन और बच गए हैं जो कि मैं अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। बाकी जितने बचे हैं आपके, आप सब उसका देख लीजिए। इसको आप देख लीजिए, 39 नंबर का क्वेश्चन है ये, ओके। थोड़ा जिग जैग है, इधर उधर है, लेकिन आप फिर भी मिला लीजिए इसको, बस आपको क्वेश्चन से मतलब है, क्योंकि सबके सेट अलग अलग होते हैं। यानी 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ जो पूछा गया है विजयदान देथा के बारे में जो है, तो उसको मैंने खोजा, यहाँ पर निकलने वाला क्या आ रहा है, केवल एक जो है, केवल फर्स्ट वाला जो है वो बिल्कुल सही है। जो विजयदान देथा के रूपांतर संस्थान के संस्थापक, ये बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। जो रूपायण संस्थान है उसके संस्थापक जो है विजयदान नहीं है, दूसरे कोई हैं, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो है थर्ड। और नेक्स्ट आपका 40 नंबर जो क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन में जो आपका निकलने के बाद आया है आंसर, वो है आपका लास्ट जो फोर्थ वाला है, वो बिल्कुल सही है। इसमें फोर्थ नंबर का जो है ऑप्शन सही है। 41 का जो है आपका आंसर जो निकल के आ रहा है, ये है आपका, सॉरी इसका नहीं है, इसका मिल नहीं पाया मुझे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 42 का। 42 में जो है नारी संत जो है दयाबाई शिष्या कौन थी, इसमें ये संत चरणदास की शिष्या थी, थर्ड नंबर आपका सही है। 43 का आप देख लेते थे, गरासीय जनजाति संबंधित नृत्य शैली है, तो गरासीय जनजाति कौन सी है, लूर है एक, ठीक है। ये है जो फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, लूर है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका 30 नंबर जो क्वेश्चन है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन में है आपका, राजस्थान की डॉक्टर कृष्णा जाखड़ को साहित्य अकादमी का राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार 2017 दिया गया है, उन्हें यह पुरस्कार उनकी कौन सी अनुवाद कृति के लिए दिया गया है, तो उनकी जो कृति थी वो है अदाड़े धरियोडी आख्या, फोर्थ नंबर जो आपका बिल्कुल सही है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार साहित्य जो किया गया है, ये आपका सही आंसर जो है वो है सी एल सांखला, इनको मिला हुआ है, साहित्य अकादमी में बच्चे थे, ठीक है, इनको मिल गया था पुरस्कार। नेक्स्ट है इनका 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें जो दिया गया है सेकंड नंबर है अ स और द, ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 60 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, किस अंतरिक्ष एजेंसी, ये तो बिल्कुल सही था आपका और आसान भी था, ठीक है। सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च करने वाला है जैक्सा था, जापान का। नेक्स्ट है ये 21 नंबर का है, या 21 नंबर में देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट ही संबंधित है, इसमें खुद थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था इसलिए मैंने लगाया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 122 का, इसमें जो है आपका राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो इसमें थर्ड नंबर जो आपका बिल्कुल सही है, डुमाड़ा अजमेर में जो है ये राष्ट्रीय बीजी मसाला वहीं पर है। 123 का जो है आपका, यहाँ पे इसमें जो कंपोस्ट खाद के संदर्भ में बिल्कुल सही नहीं है उसकी बात की जा रही है, तो गड्ढों में अवशिष्ट निम्नीकरण में केचुए धीमा नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं वो, ओके। नेक्स्ट है आपका 124 की बात करें, राजस्थान में सौर वेधशाला उदयपुर में है, उदयपुर। 125 का देखें, अम्ल वर्षा के निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी हैं, तो सिंपल है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन्हीं के थ्रू होता है अम्ल वर्षा। 126 की बात करें तो यहाँ पर है गैर वन क्षेत्र में जो है विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017, ये तो सिंपल था, ये आपका लास्ट है बांस, इसको हटा दिया गया था, झाड़ी में इसको ला दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखते हैं 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, कामेश्वर महादेव, इनको अभी मिल नहीं पाया था मुझे, ओके। यहाँ पे 33 देख लेते हैं, 33 वाला जो आपका क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है, ये आपका फर्स्ट वाला जो है सातवीं देवरी जो है वो जैन मंदिर से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, ये अलवर चित्रकला से मुझे नहीं मिल पाया था, 35 नंबर का देख लेते हैं, ये आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यह बाल भारमली जो है यादवेंद्र शर्मा जी नहीं है, इनके कोई और हैं, ओके। ये बिल्कुल थर्ड नंबर जो आपका बिल्कुल सही होगा। 36 को देखते हैं तो गौरी देवी जो है ये है आपकी मांड से संबंधित हैं, ओके, इनकी गायन शैली मांड है। 37 में आप देखते हैं तो इसमें देसी रियासत में 25 मार्च 1948 को जो है गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था, उसमें उदयपुर नहीं था, बाकी ये तीनों थे, प्रतापगढ़, शाहपुरा, बूंदी, तीनों थे, उदयपुर इसमें नहीं है। लास्ट है आपका इसमें 38 देखते हैं, 38 वाले में आपका त्याग भूमि के संपादक कौन है, तो हरिभाव उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जो थे वही उन्हीं का है त्याग भूमि। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका 104 का है क्वेश्चन, ओके। ये मुझे नहीं मिल पाया है, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, पूरा नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैंने लगाया।
105 नंबर देख लेते हैं। 105 नंबर में आपका एक गैर सेलुलोसी रेशे का उदाहरण है, ये नायलान से है, बिल्कुल सही है। 106 टीवीसी जो टीवी रिमोट होती है, औरत किरणें ही होती हैं इसमें। 107 का देखें, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर जस्ते की जाती है, बिल्कुल सही है। 108 नंबर का जो आपका है, UHF की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती हैं, वो है आकाश तरंगों के रूप में, जो कि आपकी क्या बोलते हैं आयनोस्फीयर जो होता है, आकाश तरंगों के रूप में वो किया जाता है। 109 को यदि देखा तो यहाँ पर राजस्थान में स्वावलंबन योजना जो की गई थी, सेकंड नंबर आपका बिल्कुल सही है, असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना। यहाँ पे नेक्स्ट आपका 110 में यदि देखें तो पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाला जो कार्यक्रम है किसके द्वारा समर्थित है, वो है आपका फोर्थ नंबर, कृषि कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष तथा रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा, ये किया गया था आईफेड। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे आपका नेक्स्ट में 91 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे फोर्थ नंबर जो आपका अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी जो वृद्धि है वो 11 नंबर पे थी, और जो यहाँ पे सेकंड नंबर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको 11-12 में, तो 12वें नंबर का जो है ये 12वें नंबर का है, तीव्रतर धारणीय और अधिक समावेशी समृद्धि, तो आपका जो आंसर सही है फोर्थ नंबर। नेक्स्ट आपका 92 नंबर जो क्वेश्चन है वो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने लगाया नहीं इसको। ओके, या 93 को देख लेते हैं। 93 का जो थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष था वो 1999-2000 है। ओके, थर्ड नंबर आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ जो 95 को देखते हैं, 95 में जो है संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है वो है याचना मुद्रा, कॉल मनी मार्केट। 96 आपका जो है, यहाँ पर निम्न से कौन सा केंद्रीय बजट की राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है, उसमें अल्प बचत जो होते हैं स्मॉल सेविंग उसको शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें है कौन सा युग्म जो है सुमेलित इसमें से नहीं है, तो इसमें सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो था वो श्रीराम वाजपेयी जी का नहीं है, ये बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट है आपका क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, तो भगवती चरण बोहरा जो है इसमें शामिल नहीं थे, बाकी तीनों लोग शामिल इसमें से थे। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर जो क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में जो मध्यस्थता की थी तेज बहादुर सप्रू के द्वारा ही किया गया था इसमें मध्यस्थता। 24 नंबर जो वर्करी संप्रदाय की पीठ जो है वो है पंडरपुर महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे आपका 25 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम, तो बिल्कुल इसमें चुनना था, इसमें जो देखा गया है इसमें जो लास्ट है थर्ड वाला 1434 यानी कि थर्ड वाला आपका बिल्कुल सही है थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका 52 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो आपका आंसर जो इसमें सब मिलाने के बाद जो आंसर से निकला अ ब और द है, ठीक है, फर्स्ट वाला इसमें जो है आपका अब 100 जो है बिल्कुल गलत है, ये लगभग समथिंग 2016 नहीं कुछ और था इसमें। ओके, तो ये आपका जो और फर्स्ट वाला जो निकल के आ रहा है वो बिल्कुल सही है। 53 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसको जब मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद जो ऑप्शन पूरा निकल के आ रहा था ये है आपका फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर बिल्कुल सही है इसमें आपका। और 54 को देखा तो 54 में जो है आपका अ और स जो है बिल्कुल सही है, अ और स। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम पहाड़ों के समानांतर है उससे मतलब नहीं इसमें, और स बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार जो क्रमशः भारत, ये जो है सिंपल था बिल्कुल एकदम जनगणना से था ये, तो 31.1 करके 1 या 2 अधिकतर दिया रहता है, तो वही वाला है 31.2। ओके, तो भारत का हो गया, आपका सेकंड नंबर बिल्कुल सही था, 2487 जो है वो राजस्थान का है। 56 का देखें तो 56 वाले में जो अ और अ ब द जो है ये तीनों बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में उतना वो नहीं है राजस्थान, तो अ ब द बिल्कुल सही है इसका। अब ये वाला मुझे नहीं मिल पाया है 57 का, इधर टाइम टेकिंग है, थोड़ा देखना पड़ेगा उसको। 58 है पंचपदा जो है बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी, इसके लिए जो ऑप्शन सही है संयुक्त उपक्रम था इसका HPCL का भारत सरकार से। ओके, 59 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसमें खनिजों का राजस्थान में अकेला उत्पादक राज्य है, उसमें था ये ताम्र वाले में तो मध्य प्रदेश ही है, बाकी अ स द जो है बिल्कुल सही है, यानी सेकंड नंबर जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। और 60 नंबर का जो क्वेश्चन देखा, यहाँ पर 2017-18 में राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन किया गया, तो बाड़मेर सांचौर वाला जो क्षेत्र है वो है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 115वें नंबर का जो क्वेश्चन है, एक कण जिसकी कम से कम एक बीमा जो है 10^-7 मीटर से कम हो तो उसे माइक्रो पार्टिकल कहते हैं, 10^-6 जो होती है इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका 116वें नंबर का जो क्वेश्चन है,
यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है आपको, यहाँ पे होना चाहिए वो फोर्थ वाला जो है, फोर्थ नंबर जो है ऑप्शन आपका फोर्थ, नैनो पार्टिकल 10^-9 जो होता है ए होना चाहिए। ओके नेक्स्ट है आपका 116 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, तो 116 नंबर क्वेश्चन में आपका इसको इसको मैंने नहीं मिलाया अभी। ओके 117 जो है आपको देखते हैं, 117 में जो है 21 की गुण त्रिगुणसूत्रता जो है ये डाउन सिंड्रोम में होती है, 21 गुणसूत्रक होती है, बाकी ये तो 45 और 47 वाले हैं, इससे कोई मतलब नहीं था। ओके आपका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ नंबर डाउन सिंड्रोम के लिए 21 गुणसूत्र जो होते हैं। 118वें नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, तो 118वें में आपका मानव गति से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवलंबन प्रदान करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो होती है उसको कार्बन फुटप्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका 119 नंबर जो आपका देखते हैं, तो यहाँ DRDO के द्वारा विकसित जो प्रक्षेपास्त्र है वो है आपका फर्स्ट अग्नि, फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और PSLVC ये तो बिल्कुल आसान था आपका, 104 नंबर है आपका। नेक्स्ट इसमें देखते हैं गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो किया गया था फ्री इंडिया, ये है आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया था ये पुस्तक गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ये लिखी गई थी। फिर 62 का जी देखते हैं, 62 में है आपका भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है, इनको मिलाने के बाद जो है ए और डी बिल्कुल सही है आपका। ओके वयस्क मताधिकार नहीं था बल्कि जो देशी राज्य थे वे अपने समिति बना करके भेज रहे थे उसमें से, और बाकी सब तो आप लोग जानते ही हैं कैसे कैसे निर्वाचन हुआ था। ओके अप्रत्यक्ष निर्वाचन था ही इसमें। आगे देख लेते हैं इसका जो सही आंसर है 62 का वो है आपका थर्ड वाला। 63 का जो है आपका देखते हैं, तो ये 15वें संविधान संशोधन में किया गया है, इसका जो क्वेश्चन आपका भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में आयु में प्राधिकारी के द्वारा ऐसी रीति से आधारित की जाएगी जिसका संसद विधि के द्वारा उपबंध करेगी, तो 15वें में बोला गया है। 64 नंबर जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे है, बाकी ये सब तो हैं, थोड़ा आप कन्फ्यूजन हो सकता था यहाँ पे, फोर्थ नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये जिसे यहाँ लायन दिया गया है वो टाइगर है। ओके टाइगर होगा आपका, सवाई माधोपुर का जो है मैस्कॉट वो है टाइगर, यहाँ मुझे नहीं मिला है, मैंने नहीं लगाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 66 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ये बोला गया है इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत जो है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनिमय बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में जो है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये जो लास्ट वाला आपका पुदुचेरी नहीं है, दादरा नगर हवेली समथिंग करके था। ओके आपका जो लास्ट वाला है फोर्थ, ये फोर्थ वाला बिल्कुल सही है। 67 देखते हैं, तो यह निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा द्वारा यह घोषणा की थी, इसमें मुझे 26 जून 1975 मिला है। ओके यहाँ आगे देख लेते हैं 68 वाला जो है मूल अधिकारों के संबंधित निम्नांकित निर्णयों का कालानुक्रम क्या सही है, उसमें लास्ट वाला सही है, DABC जो है आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो मैंने ईयर से पूरा मिलाया है तब जाके मिला है उसको। ओके फिर 69 मुझे नहीं मिला है अभी। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने 2022 तक जो है सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का जो लक्ष्य रखा है वो 100 गीगावाट का है। ओके 100 गीगावाट है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, दीपिका कुमार ने तीरंदाजी में विश्व कप वो जीता था वो साल्ट लेक सिटी आपका ऑप्शन है, विश्व कप वहाँ प्रतियोगिता हुई थी साल्ट लेक सिटी में। 9 नंबर का है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद जो है भारत में उच्चतम न्यायालय के महिला न्यायाधीशों की संख्या 2 हो गई है, दूसरी महिला न्यायाधीश कौन है, तो ज्ञानसुधा मिश्रा है उसमें, इंदु मल्होत्रा पहले जो थी ये आ गए, ज्ञान सुधा मिश्रा पहले थी। ओके नेक्स्ट आपका 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान का जो यूसुफ सलीम जो समाचारों में रहा वो क्या था, पाकिस्तान के जो पहले दृष्टिबाधित न्यायाधीश थे यूसुफ सलीम। 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में एक राज्य की राजधानी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा संगवा स्मार्ट सिटी जो शिलांग को घोषित किया गया था, मेघालय की राजधानी है तो मेघालय को घोषित किया गया था, यहाँ राज्य पूछा जा रहा है। 12वें नंबर का जो क्वेश्चन आपका, 24/2018 को 4 पैरा तैराकों के जो है एक दल ने 12:26 के रिकॉर्ड का इंग्लिश चैनल को पार किया था, वो जगदीश चंद्रा थे, बाकी 4 तो थे ही राजस्थान के जो थे वो जगदीश चंद्रा हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर कुछ छूट गया था उसमें रीजनिंग और मैथ वाले में से कुछ छूट गया, तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर है आपका हाँ XYZ जो प्राकृतिक संख्याएं हो तो समीकरण के द्वारा जो है सॉल्व करने के बाद जो आपका जो आंसर आ रहा था वो है 12, सेकंड नंबर आपका बिल्कुल सही है। 136 का भी देखा तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है 3 संख्याओं का जो योग होगा वो है 15 आ रहा है। ओके और नेक्स्ट 137 का आप देखें तो यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करने के बाद जो है सोने और तांबे के मध्य जो अनुपात आएगा वो 7:5 का आएगा। ओके 7:5 का। यहाँ 138 का भी देखा हम तो एक निर्माण कार्यस्थल पर जो है इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो है एक बच्चे की दैनिक मजदूरी जो आएगी वो 6 रुपये आएगी। और 139 का जो कूट भाषा इसको सॉल्व करने के बाद जो है
WIR यानी कि ए वाला आ रहा है थर्ड नंबर। 140 को देखें तो यहाँ पे जो है श्रीमान ए और बी इसको सॉल्व करने के बाद जो है सॉल्व करने पे यहाँ क्या आ रहा है पौत्र जो होगा यानी कि पोता जो है ये आ रहा निकल के। ओके ये हो गया आपका दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल कंप्लीट हो गया ये। अब बाकी जो बच गए हैं क्वेश्चंस उसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में अपलोड कर दे रहा हूँ, अभी मैं सर्च ही कर रहा था। ओके सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ओम साई स्टडी पॉइंट को, फ्रेंड्स मेरा रिक्वेस्ट है आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, थैंक यू।